हाय नमस्ते, मैं जफर खान जेड नो टी में और जेड नो टी वी का दक्कन उठ से प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हार्ट कप हाईटेक सिटी हैदराबाद में। आज यहां पर सरकार प्रोडक्शन के जानिब से बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया गया एक प्रोग्राम, मॉडल शो प्रोग्राम पर यहाँ पर शो हुई और इस पर शहर हैदराबाद के कई हस्तियाँ यहाँ पर हैं और साथ ही साथ दक्कन उठ के बहुत ही बेहतरीन एक्टर फिरोज खान और साथ में आबेद खान जो के डायरेक्टर हैं, अब उनके तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड राइटर सरकार भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज किस प्रोग्राम का क्या मकसद था और किस तरह से कामयाब रहा। सरकार प्रोडक्शन की जानिब से पेश किया गया हॉट कप कैफे हाईटेक सिटी हैदराबाद में फैशन शो जिसका नाम मिस्टर एंड मिस हैदराबाद दक्कन 2022 रखा गया था। हैदराबाद के अलावा दीगर शहर के ताल्लुक रखने वाले भी लड़के लड़कियों ने इस फैशन शो में हिस्सा लेते हुए अपने फैशन स्टाइल्स को बताया, जहां आए हुए तमाम जजेस और मेहमान खुसूसी फिरोज खान, आबिद खान और उनके साथियों ने देखते हुए सरकार प्रोडक्शन को काफी मुबारकबाद पेश की और उन्हें इस प्रोग्राम के लिए भी कामयाबी की मुबारकबाद दी। वहीं सरकार प्रोडक्शन ने भी मीडिया से बात करते हुए अपने वादों का इजहार किया, कहा कि इस फैशन शो में जिस तरह से भी लड़के लड़कियां अपने फैशन का स्टाइल पेश कर रही हैं, इनमें से अगर कोई भी जीत जाता है तो उन्हें सरकार प्रोडक्शन के जानिब से आने वाली उनकी फिल्मों में उन्हें अच्छा सा रोल, एक बेहतरीन ब्रेक भी दिया जाएगा। अब सरकार प्रोडक्शन ने वादा किया है तो इस वादे को तो ये निभाएंगे ही, क्योंकि ये सरकार प्रोडक्शन के जानिब से ये पहला प्रोग्राम था जिसमें 50 से 60 लड़के लड़कियों ने हिस्सा लेते हुए अपने आप को संवारा और उन्हें इस प्रोग्राम के जरिए काफी कुछ सीखने को भी मिला। सरकार प्रोडक्शन के जानिब से सरकार प्रोडक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर, राइटर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर शाहिद सरकार ने देखते हैं उन्होंने भी और क्या कहा है। सबसे पहले फिरोज भाई, आप यहाँ का आकर या प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं सरकार के जानिब से, आपको कैसा लगा और क्या फील कर रहे हैं? देखिए, आज 6 नवंबर है, हम लोग यहाँ फैशन शो में आए हैं। हमारे सरकार प्रोडक्शन की तरफ से एक पहला फैशन शो हमारे शायद सरकार रखे। हमारे को डायरेक्टर आबेद खान साहब भी हैं, हमारे एक्टर मेरे को एक्टर फिरोज खान जो डायरेक्टर भी है, मेरी आने वाली मूवी है साइको उसके, और हमारे शायद सरकार हमारी एक मूवी आने वाली है उसके राइटर है। शायद सरकार से हमारे हाल ही में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, तो शायद सरकार हमको इनवाइट करे यहाँ पे। पूरे एक से एक मॉडल आए हुए हैं यहाँ पे, फैशन शो होने वाला है अभी, हम लोग ये प्री इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी फैशन शो होने वाला है। तो हमारी पूरी इंटायर टीम की तरफ से शायद सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। शायद सरकार आप हमको इन्वाइट करे और उम्मीद है कि शो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमारे जो शायद सरकार है, बहुत बड़ा हाथ है उनका भी स्क्रिप्ट लिखने में, और शाहिद भाई अब जो फर्स्ट टाइम फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है, एक छोटा सा टीजर है ये, जैसा हर पिक्चर से पहले एक 30 सेकंड का टीजर आता है, इंशाल्लाह इसके बाद बहुत बड़े फैशन शोज करेंगे शाहिद भाई। उसके लिए शाहिद भाई ऑल द बेस्ट आपको, और आगे जाके भी और इससे बड़े बड़े शोज करो आप। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरकार प्रोडक्शन के, हमारे फाउंडर सरकार प्रोडक्शन शाहिद सरकार और इनके साथ इस शो के पार्टनर अजहर जैक्सन जो हमको यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा शो है, हम एंटरटेन कर रहे हैं, ज़बरदस्त शो है मिस्टर एंड मिस हैदराबाद दक्कन, जो बेहतरीन अच्छी जगह पर हो रहा है, हार्ट कप कॉफ़ी कोंडापुर नियर हाईटेक सिटी। वो बहुत प्यारा शो है, ज़बरदस्त मॉडल है, शो देख रहे हैं हम, इंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुबारक दूंगा सिर्फ सरकार प्रोडक्शन को जो पहला स्टेप लिया है, फर्स्ट शो है, बेस्ट विशेस। ऐसा है पहले शो में बड़ा धमाका करे सरकार और आगे भी करेंगे उम्मीद करता हूँ, और तमाम ऑडियंस देखिए शो और जेड नाउ चैनल का जो पूरा कवरेज कर रहे हैं, तो तमाम जेड नाउ व्यूअर्स का और जेड नाउ ओनर हमारे जफर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छा कवरेज कर रहे हैं और सब चीज़ को कवर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। हम जानते हैं कि आपकी सरकार में जो काम हो रहा है माशाल्लाह बहुत ही कामयाब नज़र आ रहा है, तो आप क्या फील करें और क्या मकसद था आपके प्रोग्राम का? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे ख़ास तौर से मॉडल एंड एक्टर एंड हीरो फिरोज खान साहब का शुक्रिया, और हमारे डायरेक्टर आबेद भाई का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
और हमारे राधे साहब जो कि प्रोड्यूसर है आने वाली फिल्म साइको के, और एक शेरदिल बोल के भी फिल्म बना रहे हैं जिसका मैं खुद राइटर हूँ, तो उसके भी आप प्रोड्यूसर हैं, उनका भी शुक्रिया। सबके शुक्रिया के साथ तमाम हाजरीन का भी शुक्रिया, और हमारे अजहर जैक्सन का बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी काफ़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त से ये शो हो रहा है, और ये हमारा पहला शो है सरकार प्रोडक्शन का। इसके बाद दिसंबर एंड में, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम और एक शो करने जा रहे हैं, तो इसी वेन्यू में होगा वो, तो उसकी डेट हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। तो इसके बाद तमाम का आपका और सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के जो शो में जो किया जा रहा है मिस एंड मिस्टर मॉडल हैदराबाद जो किया जा रहा है, इसमें विनर्स को क्या क्या रखा गया और किस तरह से रहेंगे? विनर्स को एक मॉन्यूमेंट दिया जाएगा और साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मिस्टर एंड मिस हैदराबाद के लिए। उनके लिए कुछ फ्यूचर में कुछ और दिया जाएगा? ये सरकार प्रोडक्शन जो है ये शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं हम लोग, तो इसके अंदर जो भी विनर रहेंगे उनको हमारी शॉर्ट मूवी में चांस मिलेगा, मिस्टर को भी और मिस को भी। हाईटेक सिटी में यहाँ पे सरकार प्रोडक्शन की तरफ से एक फैशन शो अभी हुआ है, और इसके कोरियोग्राफर अजहर जैक्सन है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त फैशन शो कराए सरकार शाहिद भाई को मैं बहुत बहुत मुबारक बताता हूँ। उनकी इंटायर टीम और यहाँ के जितने भी मॉडल्स हैं, बहुत प्यारा शो कराए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सरकार प्रोडक्शन की तरफ से फैशन शोज होंगे। और अभी सरकार बता रहे थे कि एक दो महीने के बाद फिर एक शो कराने वाले सरकार से। शायद सरकार हमारी मूवी के राइटर हैं, शेरदिल की मूवी आने वाली है हमारी, उसके राइटर है शायद सरकार, और हमारी और एक मूवी आने वाली है साइको फियर, जिसमें मैं हूँ, मेरे दोस्त डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है फिरोज खान, और यहाँ पे मौजूद हमारे आबिद खान साहब भी है। हम लोग आके यहाँ पे शो में अटेंड किए, हमको इन्वाइट किए, बहुत बहुत शुक्रिया शायद सरकार आप हमको यहाँ बुलाए। मैं एहसान खान दकानूट फिल्म का हीरो हूँ, यहाँ पर मैं जुबली हिल्स हार्ड कॉपी पे आया हूँ सरकार प्रोडक्शंस वाले जो फैशन शो किए हैं, बहुत ही बहुत प्यारा अंदाज में अच्छा किए है। और इस इवेंट से मैं ये दुआ करता हूँ कि सरकार प्रोडक्शन और आगे जाइए, बल्कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि मिस्टर मिस इंडिया के लेवल तक चले जाना बल्कि हमारी दुआ है। और सरकार प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर है सरकार साहब, उनके लिए हमारी खास खास दुआ है, और साथ ही साथ में हमारे मीडिया पार्टनर से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको और आगे बढ़ाइए। हाय, मेरा नाम विशाल राज है। तो बहुत अच्छा इवेंट था, एंड इनफैक्ट मॉडल्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे इवेंट्स होना चाहिए हैदराबाद में कभी कभी, क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में अभी मॉडल्स का काम भी बहुत कम हो चुका है। तो अभी ये जने जो काम किया है अभी तो बहुत अच्छा है, और जो टाइटल्स भी सबको बहुत चुन चुन कर दिया, एंड द बेस्ट वंस हैव वॉन द टाइटल्स, एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी प्लेजेंट फॉर स्पेशली फॉर द रैंप वॉक्स एंड ऑल। एंड ऐसा कुछ इवेंट्स हैदराबाद में कभी भी होने से यू नो दैट यंगर फ्रेश फेसेस को टैलेंट चांसेस मिलता है, तो फॉर्मर मॉडल्स लाइक एजे एंड दिस पीपल शुड डू शोज लाइक दिस। तो आई थिंक सब कुछ बहुत ठीक ठाक था, एंड आई एंजॉयड अ लॉट बीइंग हियर। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज जो यहाँ पे हॉट कप कैफे में 6 तारीख को जो अभी हुआ था इवेंट, फैशन इवेंट,
अपने आजर जैक्शन ने कंडक्ट किया था, मिस्टर एंड मिस तेलंगाना, एंड इट वाज रियली वंडरफुल. बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, एंड द कंटेस्टेंट्स ऑल वेर वेरी यू नो एंथुजियास्टिक एंड यू नो दे आर वेरी यंगस्टर्स एंड पैशनेट अबाउट द फैशन इंडस्ट्री एंड दे वांट टू बिकम ए मॉडल्स. एज अ ज्यूरी मेंबर आई एम वेरी हैप्पी. मेरे को बहुत खुशी हुई कि यू नो वी हैड सेलेक्टेड एंड इट वॉज अ टफ जॉब फॉर ऑल द ज्यूरी मेंबर्स. वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन, हमारे बीच में बहुत डिस्कशन हुआ किसको सेलेक्ट करना है, बट एट एंड ऑफ द डे यू नो समबडी हैज़ टू विन. सो वी हैड गिवन अवर जजमेंट ट्रांसपेरेंसी. हम लोग ज्यूरी मेंबर जो भी है, हम लोग सर मैडम सब लोग मिलकर हम लोग जजमेंट दे दिए एंड विनर्स आर आपके सामने हैं. माई नेम इज जिंसी, आई एम अ मॉडल बाई पैशन एंड आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट बाई प्रोफेशन. Fashion has always been something that I use as a way to express how I feel in the moment. I am extremely grateful to Azhar sir for giving me this opportunity to participate and actually bag the crown for this event today. And I'm extremely excited and happy to be Miss Hyderabad Deccan 2022. And yeah, I'm going to go home and I'm going to grab a burger and to celebrate this moment. And yeah, I can't wait to tell my mom about this. She's going to be extremely happy. I'm sure this is because of her prayers. सरकार प्रोडक्शन की जानिब से हॉट कप हाईटेक सिटी में आज जो यहाँ पर मिस्टर एंड मिस हैदराबाद दक्कन 2020 जो मॉडल शो यहाँ पर रखा गया था, बहुत ही कामयाब रहा और कई लोगों ने इसमें हिस्सा लेते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, सक्सेसफुल बनाया. और शहर हैदराबाद के, जैसा कि हमने आपको बात करवाया, फिरोज खान जो दक्कन उड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और साथ में डायरेक्टर आबैद अली खान और उनके और एक दोस्त फिरोज खान जो भी एक राइटर है और एक्टर भी है. और साथ ही साथ आप तो जानते ही हैं कि सरकार प्रोडक्शन की जानिब से जो सरकार है वो भी राइटर प्रोड्यूसर भी है और साथ ही साथ वो एक अच्छे एक्टर भी है. उन्होंने आज जो यहाँ प्रोग्राम किया था, काफ़ी लोग यहाँ पर आए और सब ने इस प्रोग्राम को कामयाब किया और तमाम मॉडल्स को जो जी विनर्स थे उन्हें भी सरकार प्रोडक्शन की जानिब से यहाँ पर एक एक किया गया है. तो इसी तरह के अपडेट्स, प्रोग्राम, न्यूज़, तमाम इंटरटेनमेंट हम आप तक पहुँचाते रहते हैं. तो हमारे चैनल जेड नो टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें. मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शेख के साथ मैं जफर खान, जेड नो टीवी पर देखते रहिए जेड नो टीवी का प्रोग्राम दक्कन उड़ से